हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल महविश किचन, डिलाइट इन एवरी बाइट। चिकन बिरयानी हमें लगती बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इंटरनेट पे अक्सर आसान चिकन बिरयानी की रेसिपी सर्च भी करते हैं, लेकिन हमें आसान रेसिपीज मिलती नहीं है जिसे बनाना सच में आसान हो। इसलिए आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन दम बिरयानी की रेसिपी, जिसे बनाना आसान भी है और जिसका जायका लाजवाब है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लाजवाब चिकन दम बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में, जिसमें हमें बिरयानी बनाना है, उसमें लेंगे 200 ग्राम दही। इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर, दो छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये हम कलर के लिए यूज कर रहे हैं, अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। नेक्स्ट ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच कसूरी मेथी, ये कुछ खड़े मसाले हैं, एक चम्मच जीरा, दो टुकड़ा दालचीनी, एक बड़ी इलायची, एक तेजपत्ता, आधा फूल जावित्री, 4-5 लौंग, 4-5 छोटी इलायची, 10-12 दाने काली मिर्च और एक बादिया के फूल। इन सब खड़े मसालों को भी डाल देंगे। नेक्स्ट ऐड करेंगे 3-4 हरी मिर्च, 1 कप चॉप किया हुआ टमाटर, 1 कप फ्राई की हुई प्याज, जिस तेल में प्याज फ्राई की गई थी वो तेल भी ऐड करेंगे 1 कप। इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब इसमें ऐड करेंगे 1 किलो चिकन। चिकन को भी अच्छी तरह इस मसाले में कोट कर लेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना भी डाल के मिला लेंगे। चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है, इसे रेस्ट देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चिकन को कवर करके हाई फ्लेम पे पकाएंगे, इसे करीब 80% गलाना है। चिकन को बीच बीच में चलाते रहेंगे और जब तक चिकन पक रहा है, बिरयानी के लिए चावल भी बना लेते हैं। चावल पकाने के लिए एक बड़े बर्तन में लेंगे 3 लीटर पानी। पानी में डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच स्याह जीरा, 3-4 छोटी इलायची, 2 तेजपत्ते, 1 टुकड़ा दालचीनी, 3 छोटे चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस और तेल डालने से बिरयानी के चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे। पानी को कवर करके एक बॉल आने का वेट करेंगे। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें 1 किलो बासमती राइस, जिसे हमने आधे घंटे पानी में सोख करके रखा था, इसे डाल देंगे। चावल को एक बार चला के लिड से कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पे एक बॉईल आने का वेट करेंगे। चावल उबलना शुरू हो गया है, अब फ्लेम मीडियम करके चावल को करीब 60% गल जाने तक पकाएंगे। इधर चिकन को भी चेक कर लेते हैं। चिकन पक गया है, लेकिन इसमें थोड़ी कसर बाकी है क्योंकि हमने इसे करीब 80% गलाया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच केवड़ा। चावल करीब 60% पक चुका है। अब एक स्ट्रेनर की हेल्प से चावल को पानी से निकाल के सीधे चिकन के ऊपर लेयर करेंगे। हमने ना ही चिकन का चूल्हा बंद किया है और ना ही चावल का। चावल पानी में पकता रहेगा और हम चावल को छान के चिकन के ऊपर लेयर करते जाएंगे। चिकन पे चावल की लेयर लगाने के बाद ऐड करेंगे फ्राई की हुई प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना और 2-3 हरी मिर्च को स्लिट करके डालेंगे। और अब बचे हुए चावल को भी छान के चिकन पे डाल देंगे। अगेन ऐड करेंगे फ्राई की हुई प्याज, 2-3 स्लिट की हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना। केवड़े में ऑरेंज फूड कलर मिला के चावल पे डाल देंगे। लास्टली ऐड करेंगे 4-5 बड़े चम्मच देसी घी। अब बिरयानी को कवर करके हाई फ्लेम पे 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट बाद फ्लेम लो करके बिरयानी को 10 मिनट और पकाएंगे। बिरयानी को हमेशा मोटे तले वाले बर्तन में पकाएं। अगर आपका बर्तन का तला मोटा नहीं है तो बिरयानी को डायरेक्ट फ्लेम पे दम पे ना रखें। बिरयानी के बर्तन को किसी तवे या फ्राई पैन के ऊपर रख के दम पे रखें। जब तक बिरयानी दम पे रखी है, हम झटपट रायता बना लेते हैं बिरयानी के साथ सर्व करने के लिए। रायता बनाने के लिए बोल में लेंगे 1 कप दही। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पाउडर्ड शुगर, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। इन सब चीजों को दही में अच्छी तरह विस्क करेंगे। लास्टली ऐड करेंगे प्लेन बूंदी और ये झटपट रायता रेडी है चिकन बिरयानी के साथ सर्व करने के लिए। बिरयानी को दम पे रखे 15 मिनट हो चुके हैं, अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे चेक करते हैं। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है और आप इसके चावल देख सकते हैं, अच्छी तरह पक गए हैं और कितने खिले खिले बने हैं। अब बिरयानी को 10 मिनट का स्टैंड टाइम देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। बहुत ही लाजवाब खुशबूदार चिकन दम बिरयानी तैयार है। बहुत ही बेहतरीन चिकन बिरयानी बनी है। आपको एक चिकन भी तोड़कर दिखाते हैं, देखिए कितनी अच्छी तरह पक गया है। अब गर्मा गर्म चिकन बिरयानी सर्व करते हैं।
चिकन दम बिरयानी तैयार है। इसे सर्व करेंगे बूंदी रायते के साथ। आप इस आसान सी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी को ट्राई करिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग और मजेदार रेसिपीज के साथ। टिल देन, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग।